हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो है ट्यूब से कलर बनाएंगे। हमारे पास जो ट्यूब है, पहले तो हम पेंट दिखाएंगे। हमारे पास वाल मस्तका लाइट पेंट है, इसमें हम आपको कलर बना के दिखाएंगे। हमारे पास जो है, पहले हम पेंट निकाल लेते हैं थोड़ा, उसमें थोड़ा करके आपको कलर बना के दिखाएंगे। 10 कलर बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले हम जो है, हमारे पास ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर का हम आपको जो ट्यूब है तो शेड बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कमरे की जो दीवार होती है, तो एक दीवार हम तेज कर लेते हैं और 3 दीवार लाइट। तो ऐसे ही मैं आपको कलर बना के दिखाऊंगा। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कमरे के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं, ऑरेंज से जो हमारा ये शेड बना है, एक तो लाइट बन गया और एक डार्क। इसी तरह आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेड बन के आ चुके हैं। इस तरह एक दीवार आप डार्क कर सकते हैं और बाकी 3 जो है लाइट कर सकते हैं। ये कलर बहुत अच्छा बन के आएगा। तो दोस्तों, एक शेड जो कॉम्बिनेशन है बन चुका है। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो फटाफट से हम ले लेते हैं वाइट, और वाइट के साथ जो है हम जो ग्रीन है हमारी, उस तरीके से कॉम्बिनेशन कलर बनाना है हमें। तो देखते रहे वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, हमारा जो लाइट कलर हमारा बन चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तो मैं पूरा पूरे शेड दिखाने वाला हूँ आप किस तरह आप कलर बना सकते हैं। अगर पेंटर भाई को कलर नहीं आता तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या अपने खुद भी कर सकते हैं घर में। तो देख सकते हैं हमारे 2 शेड बन चुके हैं। तो इस तरीके से ही आप जो तेज़ दीवार है वो तेज़ कर सकते हैं, लाइट दीवारों पर लाइट कर सकते हैं। तो हमारे एक ट्यूब से ही हमारे 2 शेड बन के तैयार हो चुके हैं। और जो हम ये यहाँ पर जो शेड बनाने वाले हैं, ये येलो ट्यूब से बनाएंगे। तो ये हमारी येलो ट्यूब है, इसमें थोड़ा सा हमारा जो कलर येलो से क्रीम बन जाएगा, क्रीम सा शेड आ जाएगा। तो फटाफट हम तैयार कर लेते हैं क्रीम कलर, और क्रीम का ही हम डार्क बनाएंगे। तो देख सकते हैं, हम क्रीम का डार्क आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप भी अपने कमरे में कलर करा सकते हैं लाइट और डार्क करके। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। इस तरीके आप अपने सीलिंग वगैरह में करा सकते हैं, तो बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हम अब ये मिक्स कलर बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले येलो और जो है ग्रीन की मिक्स कलर बनाएंगे दोनों ट्यूब से। हमारा देख सकते हैं कुछ मेहंदी टाइप का कलर बन चुका है, एक कलर ये है। और अब जो हम फिलहाल जो है इसका रेड और ऑरेंज का शेड बनाएंगे। रेड का, ओ सॉरी, उसका जो है ऑरेंज और येलो का शेड बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का शेड बन चुका है। ये सिंगल कमरे में पूरे चारों दीवार को आप कलर कर सकते हैं, इस तरह का शेड बन जाएगा। दूसरा कलर दिखाएंगे, इसमें हम जो है ग्रीन और जो ऑरेंज है वो लेने वाले हैं। ऑरेंज और ग्रीन का शेड बनाएंगे। इससे भी आप मिला के दोनों टूप कलर बना सकते हैं। देख सकते हैं, उसमें आप घर में आप पेंट लाइट डार्क कर सकते हैं। अगर हम कम डालेंगे पेंट तो लाइट हो गया, तेज ज़्यादा डालेंगे पेंट के अंदर ज़्यादा डालेंगे तो तेज हो जाएगा, अगर लाइट कम डालेंगे तो लाइट बनेगा। तो वो अपने हिसाब से आप कलर बना सकते हैं घर पे भी, कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की। दोस्तों, इस तरीके से आप कलर बना सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे शेड बन जाएंगे। दोस्तों देखना, ये 10 शेड बन गए हैं। 3 बस, सिर्फ कुल 3 ट्यूब से ही 10 शेड बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक और मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कमरे में कलर कराना है, ट्यूब से कलर करना है, बहुत से भाई कहते हैं कि कलर उड़ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हमारा पेंट अच्छा होना चाहिए, पेंट जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि एपेक्स में, अगर हमेशा ट्यूब से कलर बना रहे हैं तो एपेक्स में बनाओ। एपेक्स उसका जो एपेक्स है जो हम अंदर के अंदर यूज करें ट्यूब से कलर बना के, तो कलर ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छी शाइनिंग और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी उसी कंप्यूटर जैसी आ जाएगी। बस सिर्फ यह है, बहुत तेज़ कलर नहीं बन सकते ट्यूब से। अगर आप बहुत तेज़ कलर चाह रहे हैं तो वो नहीं बन पाने के। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कलर बना सकते हैं, पर एपेक्स में बनाएं ट्यूब से। मेरी सलाह है कि एपेक्स में ही ट्यूब से कलर बनाएं। अगर हम लाइट कोई भी दूसरे कलर से हम वो दूसरे पेंट से हम कलर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, वो फैल हो जाएगा और थोड़ा सूखने में भी लाइट आएगा। और जो एपेक्स में बनाएंगे तो एपेक्स में हमारे ट्यूब से बने हुए कलर जो हैं तेज होते हैं और अच्छी क्लैरिटी आती है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरीके से मैं पेंट पुट्टी पॉलिश की वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ बना रहे, धन्यवाद।